सेमीकंडक्टर से बना एक डिवाइस होता है जिसको कि हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। वो बहुत सारे सर्किट्स में यूज होता है, जैसे रेडियो के अंदर या टीवी के अंदर जो सर्किट्स होते हैं उसमें ये डायोड यूज में आता है। तो अभी हम लोग उसी पीएन जंक्शन डायोड के बारे में समझेंगे कि ये किस तरह से बनता है और ये किस तरह से वर्क करता है ना। तो पीएन जंक्शन का मतलब ये हुआ कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग ज्वाइन करके ये पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर। सच दैट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट द बाउंड्री रिमेन्स कंटिन्यूअस। मतलब ये हुआ कि जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जैसे देखेंगे कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें खूब सारे होल्स दिख रहे हैं, और इधर जो है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, है ना। तो जस्ट इन दोनों को ऐसे कांटेक्ट में लाने से पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनता, बल्कि उसका एक स्पेशल प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के हिसाब से इनको ज्वाइन करना होता है। जैसे अगर मैं इन दोनों को बिल्कुल पास में कांटेक्ट में लाऊंगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। तो ये पीएन जंक्शन डायोड नहीं बना है, उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स होते हैं। तो उस हिसाब से ऐसे जोड़ना होता है, जैसे कि वेल्डिंग करते हैं तो जो मटेरियल है वो कंटिन्यूअस हो जाता है, तो उसी तरह से इनको इस तरह से जोड़ा जाएगा कि जो बाउंड्री है यहां पर जो मटेरियल है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस दिखना चाहिए। दो डिफरेंट मटेरियल जैसे अलग अलग नहीं दिखने चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, इस तरह से बनाया जाता है। तो जैसे ही इन दोनों को उस तरह से जोड़ा जाता है, तो जोड़ते ही क्या शुरू होता है, आप देखेंगे जैसे ये पास में ये होल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये होल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जा करके डिफ्यूज होने लगते हैं। डिफ्यूज होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है होल्स के अंदर जा करके कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर देगा, तो होगा क्या, ये होल और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के गायब हो जाएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है, ठीक। अब देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर होता है, चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये वाला पार्ट भी न्यूट्रल है, ये वाला पार्ट भी न्यूट्रल है, लेकिन इधर से अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी थे, तभी न्यूट्रल था। लेकिन अभी क्या हुआ कि इसमें से ये तीन इलेक्ट्रॉन इधर चले जा करके गायब हो गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इस पोर्शन में। तो होगा क्या कि ये जो राइट साइड में जो पार्ट है, जो पोर्शन है, इस राइट साइड में निगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से देखेंगे कि यहां पर ये भी एक्चुअली में न्यूट्रल था, इतने होल्स थे तो कुछ न कुछ इसमें निगेटिव चार्ज भी होंगे, दोनों मिलकर के बैलेंस हो रहे थे, मतलब नेट चार्ज यहां पर जीरो था। लेकिन देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जब आकर इसमें डिफ्यूज हो गए तो ये तीन होल भी गायब हो गए। होल गायब होने का मतलब क्या हुआ कि यहां से पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यानी निगेटिव चार्ज तो इस पोर्शन में बढ़ गया होगा। तो निगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है कि इस साइड में निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और उस साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, है ना। कुछ इस तरह से अगर मैं यहां पर बाउंड्री बनाऊं, है ना, इस तरह से, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन जो है चले गए डिफ्यूज होने के लिए, इधर से होल्स कम हुए हैं। तो होल्स कम होने का मतलब ये हुआ कि इधर निगेटिव चार्ज जो है
वो ज्यादा हो गए यहां पर, तो इस साइड में निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये डिफ्यूजन तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होगा, है ना। होगा क्या कि जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज आया, यहां पर निगेटिव चार्ज आया, तो यहां पर इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को यहां से इधर जाना था, तो ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स उधर लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को इधर आकर के डिफ्यूज होने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोकता है। उसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है, होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये होल्स पर इधर फोर्स लगाकर इधर धक्का देगा, यानी इनको जो है उधर जाने नहीं देगा डिफ्यूज होने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूजन को रोकने की कोशिश करता है, है ना। तो एक तो होता है इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स उनको पास मिलाने की कोशिश करता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनको धक्का देकर के दूर ले जाने की कोशिश करता है। तो शुरू में जब डिफ्यूजन हो रहा होगा तो ये चूंकि चार्जेज कम डिफ्यूज हुए होंगे तो चार्जेज इंड्यूस भी कम होंगे, इंड्यूस चार्जेज कम होंगे तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो डिफ्यूजन अभी होता रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ता रहेगा ये चार्जेज इंड्यूस जो है वो बढ़ते रहेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से लगने वाला फोर्स उनके अट्रैक्शन फोर्स के कारण से लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर जितना अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा उतना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इन पर नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो डिफ्यूजन उस टाइम में हो जाएगा बंद, है ना। तो उस टाइम में ये जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन, इसको कहा जाता है डिप्लीशन रीजन, मतलब कि इस रीजन में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, है ना। और एक्चुअली में ये जो पोर्शन है यही डायोड कहलाता है, ये जो पोर्शन है ये डायोड कहलाता है, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं यहां पर एक पोटेंशियल और जो पोजीशन है उसका ग्राफ बनाऊं, पोटेंशियल ऊपर दिखाते हैं इधर पोजीशन दिखाते हैं, ठीक है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। तो अगर मैं मान लूं कि यहां पर पोटेंशियल जीरो है, है ना, तो यहां से यहां तक हर जगह पोटेंशियल जीरो ही होगा, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, ये हर जगह पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, देख सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने का मतलब क्या हुआ, हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है डीवी बाई डीएक्स, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो डीवी बाई डीएक्स जीरो होगा, यानी कि वी जो है ये कॉन्स्टेंट होगा, पोटेंशियल जो है कॉन्स्टेंट होगा यहां से यहां तक, जो कि हमने माना जीरो है। उसी तरह से चूंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, पोटेंशियल वेरी कर रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, इसके आगे फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल बराबर होगा। अगर मैं मान लूं कि यहां पोटेंशियल जीरो है और यहां पर पोटेंशियल है वी बी, वी बी मतलब कि बैरियर पोटेंशियल, यहां पर बैरियर पोटेंशियल के बराबर पोटेंशियल है, अब यहां से यहां तक हर जगह पर वी बी के इक्वल ही पोटेंशियल होगा, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कहते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसको हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड इन डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड
पोटेंशियल बैरियर, है ना। तो ये जो हाइट यहां से दिख रहा है, यहां से यहां तक ये जो हाइट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वीवी के इक्वल है। एक्चुअली में जो डायोड होता है वो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये डायोड कहलाता है। तो इसको हम लोग एक ऐसा सिंबल देते हैं, सर्किट में जब भी डायोड यूज किया जाता है तो सिंबल डायोड का ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया सिंबल ऑफ डायोड, ठीक। अब ये जो डायोड है इसको जब हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं तब इसमें करंट फ्लो कर सकता है ना। तो बैटरी से जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं बायसिंग। देखेंगे कि किस तरीके से किसी डायोड को बैटरी से जोड़ा जा सकता है, बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। देखेंगे यहां पर जो है ये पीएन जंक्शन है, मैं यहां से ऐसे कह सकता हूं कि ये वाला जो पोर्शन है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये वाला जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये बीच में आपको डिप्लीशन रीजन दिख रहा है ना। बैटरी के पॉजिटिव प्लेट को पी साइड में जोड़ दिया और बैटरी के निगेटिव प्लेट को एन साइड से जोड़ दिया है ना। तो इस टाइप का जो कनेक्शन बनाया जाता है इसको कहा जाता है फॉरवर्ड बायस्ड पी एन जंक्शन, है ना। तो बायसिंग का पहले तो मतलब ये हुआ कि कनेक्टिंग अ पीएन जंक्शन डायोड विथ अ बैटरी इज कॉल्ड बायसिंग, है ना। और जो बायसिंग होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायस्ड, है ना, और दूसरा होता है रिवर्स बायस। यहां पर दूसरा वाला केस देखेंगे, इसमें रिवर्स्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होता है कि जो पीएन जंक्शन का पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर है या पी साइड वाला पार्ट है उसको बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ते हैं और एन साइड वाला जो पार्ट है उसको बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ देते हैं इन फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन पी टाइप और जस्ट कह सकते हैं कि पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू निगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, है ना। तो वैसा ही इसमें किया गया है। तो ऐसा होने से क्या होता है, देखेंगे जो बैटरी है इसका ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये हायर पोटेंशियल पर होता है, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होता है, जो होल्स पर एक फोर्स लगाता है, धक्का लगाता है उधर की तरफ। उसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट किया है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों को डिप्लीशन रीजन की तरफ पुश करता है। उससे क्या होता है कि जो डिफ्यूजन है या कहें कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है और थोड़े से ब्रेक हो जाते हैं और कुछ और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। मतलब कि ये जो डिप्लीशन रीजन देखेंगे यहां पर हमने कोई बैटरी नहीं जोड़ा है, इसको कहते हैं कि अनबायस्ड पीएन जंक्शन है। तो इसमें डिप्लीशन रीजन काफी बड़ा है, जबकि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है दोनों तरफ से धक्का लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का लगाता है होल्स को ताकि और इधर आ जाए, इलेक्ट्रॉन्स को ताकि और इधर आ जाए। उससे क्या होता है कि ये जो डिप्लीशन रीजन है ये थोड़ा छोटा हो जाता है। ये हो गया इस बार डिप्लीशन रीजन।
तो अगर इस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या बैरियर पोटेंशियल की बात करें तो दोनों जो है पहले से कम हो जाते हैं क्योंकि ये रीजन छोटा हो गया। तो इस बार जो ग्राफ है कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे। एक तो रीजन छोटा हो गया, आप देखेंगे ये है ना, ये रीजन छोटा हो गया और यहां पर इसको हम लोग कह सकते हैं VF, VF मतलब कि फॉरवर्ड व्यास में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर ये हो गया। तो ये जो VF है ये एक्चुअली में होता है लेस देन पोटेंशियल बैरियर। यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये काफी बड़ा था, है ना, ये बहुत ज्यादा था और ये जो है ये काफी कम हो गया है। काफी कम होने से क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन्स को मौका मिल जाएगा उधर जंप करने के लिए, क्योंकि अब जो है यहां पर बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो गया है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अब ज्यादा होगा और जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा वो कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये जंप कर जाएंगे। जंप करने से क्या होगा कि जब ये जंप करेंगे इस साइड में तो उससे क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा। देखेंगे कि इसमें से चूंकि करंट जाना है ऐसे, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आने हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाने हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इधर की तरफ, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर बढ़ रहे होंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप कर जाएंगे। जब ये जंप करके यहां पर इसमें होल्स में जाएंगे, हमें पता है कि होल्स किस तरह से चलते हैं। होल्स चलते तब हैं जब इलेक्ट्रॉन खुद को इस तरह से जंप करते हुए आगे खिसकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के खिसकने की वजह से होल चलता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तब होल्स इधर जाते हुए दिखेंगे, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसी तरह से इसमें जंप करते हुए आते हैं और यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर निकल आते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जैसे होल्स जिस भी इस लाइन में होते हैं वहां जो है कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कभी भी चार्ज कैरियर नहीं होते इसके अंदर, जहां भी होते हैं वो कैविटी को फिल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं जहां जहां ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वहां पर ये होल्स होते हैं, तो होल उधर खिसकते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें होल्स जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, ये सारे के सारे होल्स राइटवर्ड डायरेक्शन में चल रहे होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर खिसक रहे होते हैं इसके अंदर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे होते हैं। तो एन साइड में इस पार्ट में जो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से फ्लो करता है, और पी साइड जो साइड है इसमें जो करंट फ्लो करता है वो सिर्फ होल के वजह से फ्लो करता है, जबकि इस कंडक्टर के अंदर, इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो केवल इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इन एन साइड करंट फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल इन पी साइड करंट फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ होल्स। जबकि ये जो कंडक्टर है जो कि बैटरी से जुड़ा हुआ, इस कंडक्टर के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं। करंट इन कंडक्टर फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से जब इस पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया जाता है तो इसमें से करंट फ्लो करने लगता है ना, जबकि रिवर्स बायस में क्या होता है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे देखेंगे कि ये पी साइड है, पी साइड को बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ दिया और जो पीएन जंक्शन है उसका एन साइड को बैटरी के
पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया है ना। तो इस बार क्या होगा, इसमें देखेंगे कि ये जो बैटरी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट करेगा, इधर क्रिएट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा उधर, यानी कि जो डिप्लीशन रीजन से दूर भेजेगा, और होल्स को चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इनको इधर की तरफ भेजेगा, यानी इनको भी जो डिप्लीशन रीजन है उससे दूर करेगा। तो इस दौरान क्या होता है कि जो डिप्लीशन रीजन है वो और बड़ा हो जाता है। देखेंगे कि ये जो अनबायास था, अनबायास्ड का मतलब जब कोई बैटरी नहीं जोड़ा था तो डिप्लीशन रीजन जो था वो इतना छोटा था, और जब रिवर्स बायास कर दिया तो ये और बड़ा हो गया। देखेंगे यहां पर जो डिप्लीशन रीजन है ये और भी बड़ा हो गया है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, इसमें भी यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर निगेटिव चार्ज था। अगर यहां पर हम लोग बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल बैरियर ग्राफ बनाएंगे, इधर पोटेंशियल इधर पोजिशन, तो इस बार क्या होगा कि इस बार पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। रिवर्स्ड व्यास में अगर मैं कहूं कि पोटेंशियल जो है वो वी आर है, यहां पर अगर यहां का जीरो मानते हैं तो यहां का वी आर लेंगे, इधर पोटेंशियल जो है वो जीरो है और यहां पर वी आर है हर जगह, इसमें इधर जीरो जीरो था और यहां पर वी एफ था हर जगह पर, यहां से इधर हर जगह पोटेंशियल बराबर वी एफ के इक्वल, यहां से इधर पोटेंशियल बराबर जीरो के इक्वल, इसमें यहां से इधर वी आर पोटेंशियल, यहां से इधर जीरो पोटेंशियल, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है वी आर, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये वी एफ। तो मैंने कहा कि जो वी एफ है ये वी बी से छोटा हो गया, मतलब अनबायास्ड वाले केस में जो पोटेंशियल बैरियर था इसकी वैल्यू से यहां वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो है कम हो गया था, लेकिन इस केस में जो पोटेंशियल बैरियर है ये बड़ा हो गया है ना। पहले जो पोटेंशियल बैरियर था उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर हो गया, यानी अब इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज होना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी हो सकता है कि अनबायास वाले केस में एक दो इलेक्ट्रॉन जंप कर पा रहे हो, लेकिन अब जो है जब रिवर्स बायास कर देंगे तब वो एक दो भी जंप नहीं कर पाएंगे है ना। तो उस केस में जो है कह सकते हैं कि इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक। तो रिवर्स बायास में जैसा कि मैंने बताया कि इन रिवर्स्ड बायास्ड पीएन जंक्शन पी साइड इज कनेक्टेड टू निगेटिव प्लेट वाइल एन साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ। तो इस केस में देख सकते हैं कि करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन दिस केस करंट थ्रू द डायोड बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हो, एक दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है जंप कर रहे हो, या अंदर भी क्या होता है कई बार डिप्लीशन रीजन के अंदर भी जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड का टूटना जो है वो जारी रहता है। तो कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग जाएंगे, होल्स इधर भाग जाएंगे, तो उसके कारण से थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, ठीक है, उसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। और ये जो जंप करके जाकर के डिफ्यूज होने वाला केस है उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। जब भी किसी डायोड से करंट निकाला जाता है तो ये दोनों जो करंट है इनका सम के बराबर वो करंट होता है। तो जैसा कि अभी हमने यहां पर समझा कि फॉरवर्ड बायस्ड में पीएन जंक्शन डायोड जो है वो करंट फ्लो को अलाउ करता है, इस केस में करंट फ्लो करता है, जबकि रिवर्स्ड बायस्ड में
पीएन जंक्शन जो है करंट फ्लो अलाउ नहीं करता है। अगर इस चीज को हम लोग किसी सर्किट में दिखाएंगे तो देखेंगे, यहां पर हमने दिखाया है फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन वाला सर्किट। इसमें ये जो डायोड है, डायोड का पी साइड इधर होता है, इधर होता है पी साइड और इधर होता है एन साइड, है ना। तो पी साइड जो है वो पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा है और एन साइड को निगेटिव से जोड़ा है। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करता है, ये फॉरवर्ड बायस के केस में करंट फ्लो अलाउ करता है। जबकि यहां देखेंगे ये रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन सर्किट। इसमें ये जो पी साइड है इसको बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ दिया और जो एन साइड है इसको पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया। तो इस केस में जैसे कि यहां पर दिखाया हमने, इसी को यहां पर सर्किट में दिखाया है, जैसा कि मैंने बताया कि जो डायोड है एक्चुअली में ऐसा होता है, लेकिन इसका सिंबल जब हम सर्किट में दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, है ना, इस तरह से ऐसे जंक्शन डायोड को दिखाया जाता है। तो ये वाला जो केस है इसका सर्किट यहां पर दिखाया गया है। तो इसमें हमने क्या बताया कि इसमें करंट जो है ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। मतलब कि अगर इस डायरेक्शन में कहा जाए तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, जबकि बैटरी ऐसे जोड़ा गया है कि करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, है ना। तो इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करने ही नहीं देता, जबकि अगर बैटरी को ऐसे जोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो को अलाउ करता है। अगर इसको हम लोग एक ग्राफ में समझे, जैसे देखेंगे कि करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है और वी है, तो फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि इसकी पोलरिटी जो है पॉजिटिव साइड में है। तो इस केस में जो करंट है वो कुछ इस तरह से बढ़ता है, जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट इसमें बढ़ता जाएगा। जबकि रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस का मतलब है कि वोल्टेज निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव में जो करंट है वो देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट जो है ये जीरो होता है, है ना। थोड़ा सा करंट दिखाया गया निगेटिव डायरेक्शन में, यहां पर करंट पॉजिटिव डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और ऐसे अगर मैंने कहा कि इसमें हो सकता है कि एक दो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके जा रहे हो तो थोड़ा बहुत करंट फ्लो कर सकता है, इसीलिए हमने कहा था कि ऑलमोस्ट जीरो, है ना। तो थोड़ा सा करंट हो सकता है फ्लो करे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में जब बहुत ज्यादा वोल्टेज हम अप्लाई कर देंगे तो ये जो डायोड है वो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, वो खराब हो जाता है। जब उस कंडीशन में क्या होता है, करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, है ना। कुछ जो करंट है वो बिल्कुल ऐसे दिखता है, अचानक देखेंगे करंट की वैल्यू है वो बढ़ गई। तो ये वाला जो पोर्शन है ये फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन में जो करंट होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है इधर वाला ये रिवर्स्ड बायस्ड जो पीएन जंक्शन है उसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, ठीक। तो ये जो यहां पर मैंने बताया कि ये जो करंट अचानक यहां पर बढ़ गया है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ डायोड, है ना। तो ये ब्रेकडाउन कैसे होता है, जैसा कि हमने कहा कि ये जो वोल्टेज है अपोजिट डायरेक्शन में लगा रखा है, उल्टे डायरेक्शन में लगा रखा है। अगर ये वोल्टेज जो है, हालांकि पीएन जंक्शन का काम क्या है कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करने देगा, लेकिन जब वोल्टेज हम बहुत ज्यादा अप्लाई कर देंगे तो वो जो डायोड है वो फिर जो है वो अचानक उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो करंट उल्टे डायरेक्शन में अचानक बढ़ जाता है। ब्रेकडाउन कैसे होता है, किस कारण से होता है, उसको हम लोग यहां पर समझते हैं। जो ब्रेकडाउन है वो दो तरीके का होता है, एक होता है उसको कहा जाता है एवलांचे ब्रेकडाउन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बर्फ वाले माउंटेन्स होते हैं
वहां पर एवलांचे आता है। एवलांचे आने का मतलब है कि जो बर्फ है, बर्फ का जो पहाड़ है वो धीरे धीरे भरकने लगता है, नीचे गिरने लगता है ना, कुछ उसी टाइप का इसमें होता है ना। देखेंगे जैसे कि यहां पर मैंने दिखाया है कुछ, ये सेमी कंडक्टर है। अब इसमें हमने उल्टा डायरेक्शन में वोल्टेज लगाया है, वोल्टेज लगाने का मतलब कि इसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिल भी होगा। तो अगर इतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिल कर दें कि कोई यहां पर जैसे देखेंगे ये जो दिखाया गया है हर जगह एक कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो रखा है, मतलब होल और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज हो चुके हैं, कहीं भी चार्ज करियर नहीं दिख रहा। लेकिन जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिल अप्लाई कर देंगे उल्टा डायरेक्शन में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो टूट करके निकल जाएगा। तो होगा क्या कि इसमें मान लेते हैं कि एक जो है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इसने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो एक्सेलरेट होगा, वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वो जाकर के टकरा गया कहीं यहां पर, है ना, टकरा गया। अब यहां का कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन, अब दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन फिर यहां से भागा इधर, एक यहां से भागा इधर, फिर ये दो जाकर टकरा, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, चार हो गए, चार जो है फिर आठ को तोड़ेंगे, इस तरह से जो है एक तरह से जैसे एवलांचे आता है, बर्फ का पहाड़ गिरने लगता है, वैसे ही ये जो है सारे भरभरा करके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं एक बार में, है ना। और जब निकल जाते हैं इधर तो अचानक चूंकि चार्ज कैरियर्स का अमाउंट बढ़ गया, उनकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो करंट जो है वो उल्टा डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट उसके उल्टा डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, यहां पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया एवलांचे ब्रेकडाउन। एक दूसरा होता है जिसको कहा जाता है जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि चूंकि हमने बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है तो उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा हाई होगा। तो मैंने यहां कहा कि इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराता है, दूसरे फिर चार से टकराते हैं, चार फिर आठ से टकराते हैं, ऐसे टूटते जाते हैं, है ना। इसमें क्या हुआ कि हमने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया कि सारे बॉन्ड एक साथ में टूट गए और सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ में चलने लगे, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो है ये यहां पर 12 ये बॉल है, 12 बॉल है, उन पर चार्ज है, निगेटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सब पर एक साथ में फोर्स लगेगा, सारे के सारे एक साथ में चलने लगेंगे। बिल्कुल उसी तरह से क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ गया कि ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड एक साथ में टूटेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक साथ में चलना शुरू कर देंगे, है ना। सारे जो है वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू कर देंगे तो करंट जो है उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। तो जेनर ब्रेकडाउन जो होता है इस तरह का होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ में चलना शुरू कर देते हैं। और एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है कि एक दो पहले टूटते हैं, वो दो जो है फिर चार में कन्वर्ट हो जाते हैं, चार जो है आठ में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह से वो टूटते टूटते खूब सारे एक साथ में चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, जिससे कि करंट का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है, ठीक। तो ब्रेकडाउन होने का मतलब है कि डायोड जो है वो खराब हो गया। वो डायोड जो है उसका काम ये है कि एक साइड में एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करने देगा, दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करने देगा, है ना। तो ब्रेकडाउन होने का मतलब है कि उसका जो काम था वो काम करना बंद कर देगा, वो डायोड जो है बेकार हो गया, ठीक। तो डायोड का काम क्या होता है, कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड इज अ डिवाइस is a device which allows current flow in only one direction. एक direction में current flow को allow करता है, दूसरे direction में allow नहीं करता है। और ये जो diode को आपको check करना हो तो जैसे मैंने बताया कि radio या TV का जो circuits होते हैं, सर्किट में आपने देखा होगा कि रेड कलर के या ब्लू कलर के कुछ उसमें एलिमेंट्स दिखते हैं, डिवाइस दिखते हैं, तो कलर वाले जो दिखते हैं उसी में डायोड रहता है,